हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी आज है दिवाली का दिन, मतलब बड़ी दिवाली का दिन। तो सुबह के बज रहे हैं अभी, वही लगभग 10 बज रहे हैं। और मेरा जो क्लीनिंग वगैरह का काम रहता है वो सब जल्दी ही समाप्त हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ खाना। यहाँ पर खाने में आज बन रहा है हमारे यहाँ छोले भटूरे, क्योंकि मेरे पतिदेव जो हैं काफ़ी दिन से कह रहे थे छोले भटूरे बनाओ, छोले भटूरे बनाओ। तो मार्केट का अचार होता है ना, नौरंग अचार बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे और कुछ बोलते हैं मिक्स वाला, तो वो मेरे आया था काफ़ी टाइम पहले जब हम लोग मॉल गए थे तब। और वो अचार जो है छोले भटूरे के संग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे पति देव ना इस कारण कह रहे थे, बस यही एक रीज़न था छोले भटूरे बनने का, ये समझ लीजिए। तो कुल मिला के इतने दिन की मैंने जो है अपने पति देव की डिमांड पूरी करनी चाहिए बस। और वैसे तो वो अभी है नहीं घर पर, ड्यूटी गए हुए हैं, वही 3 बजे के लगभग आएंगे। लेकिन मैं बना ले रही हूँ अभी से ही, क्योंकि क्या है अभी बच्चों को खिला दूँगी और जब वो आएंगे तो उनके लिए गरम गरम भटूरे सेक देंगे। तो यहाँ पर मैंने छोले जो है छोंक दिए, आपने देखा ही है। और छोले में मैं आंवले डालकर उबालती हूँ, तो जो है काले छोले बनते हैं बहुत ही आराम से। और कोई चाय पत्ती वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ जैसे बहुत सारे लोग डालते हैं। तो यहाँ पे छोले को थोड़ा सा मैं गूंद दूंगी तो और अच्छा लपटे लपटे बनेंगे अच्छे से। जो कभी कभी होता ना छोले अलग पानी अलग जा रहे होते वो अच्छे नहीं रहते। तो फिर मैं छोले चढ़ा दिए थे। और उसके पहले ही, छोले बनाने के पहले ही ना, मैं सब्जियाँ वगैरह काट के गई थी, टमाटर और सब चीज़ें। उसके बाद मैं गई, मतलब हमारे घर के पास में ही रेलवे क्वार्टर है, वहाँ से मुझे आम के पत्ते लाने थे। तो आज मेरे को ना भागना भी बहुत पड़ा दो बार। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बड़ी सुई नहीं थी तो उसके लिए मुझे दुकान तक जाना पड़ा। तो दुकान हमारे ना घर के आसपास है ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है इसलिए। तो बस जा कर के कुल मिला के गाड़ी मैंने जो सीख ली है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ भी नहीं हो फटाक से आप जा कर के ला सकते हो, वरना हमेशा क्या होता था मैं इनके सहारे बैठती थी और ये जब ला के देते तो तभी होता था। अभी क्या है, मैं आराम से सब काम अपने आप कर पाती हूँ, सेल्फ डिपेंड हो गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने घर के मुख्य द्वार को किस तरह से सजा दिया। और फूल ना हम एक दिन पहले ही लेकर के आ गए थे, क्योंकि बस ये डाउट लग रहा था पता नहीं दिवाली के दिन ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इनकी जॉब ऐसी है ना कि ज़रूरी नहीं है कि घर पर रहें हमारे साथ सारे त्योहारों को मनाएं, क्योंकि पहले ना हमारा जो कर्म है वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो काव्या से मैंने देखिए यहाँ पर लगवा दिया है, और मैंने आम के पत्ते लगा दिए ना बीच बीच में, तो ये माला जो है और भी सुंदर लग रही है। तो बस सब फूल उल गूँथे, उतनी देर में मेरे छोले जो है एकदम बनकर रेडी हो गए धीमी धीमी आँच में। और अभी वही एक लगभग बज रहा होगा, क्योंकि 2 बार मार्केट की तरफ गए इस वजह से टाइम तो काफ़ी हो ही गया था। तो बस यहाँ पर छोले बन गए और बच्चे हैं भूखे, तो अब मैं फटाफट से बनाऊंगी भटूरे। और सुबह वही 9 बजे करीब ही मैंने भटूरे का आटा जो है रेडी करके रख दिया था, मैदा, कि क्या होता है ना उसको 4 से 5 घंटे के लिए अगर आप रेस्ट पे छोड़ दो तो भटूरे बहुत अच्छी बनते हैं, टेस्टी और फूले फूले। उसमें क्या अच्छे से खमीर उठ जाता है, तो आपको कुछ भी अलग से डालने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखिएगा भटूरे कितने ज़्यादा लाजवाब बने थे, और हमारे तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपको ज़रूर ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो कभी मैं आपको फुल रेसिपी दूंगी तो आप ज़रूर बना पाएंगे। तो अभी तो क्या था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा मैंने आपको दिखाया है। तो आप भी आइए, एंजॉय करिए हमारे साथ भटूरे खाइए। तो बस खाना ना खाने के बाद हम लोगों को 2 बजे जो है नीचे पार्किंग में पहुंचना था। हमारी जो सोसाइटी है, मतलब बिल्डिंग में भी रंगोली बननी थी, तो हम सब महिलाएं गए वहां पर, बनाई है हमने रंगोली। तो देखिए हमारी बिल्डिंग की जो बेटियां हैं ना बच्चे, तो उन्होंने भी बनाई, और बच्चों को ना बहुत सुंदर रंगोली बनानी आती थी। और मुझे तो खैर खास नहीं आती, फिर भी मैंने देखिए कितना कुछ कर लिया था। तो बस इस तरह से हमने अपनी बिल्डिंग को भी सजाया, बिल्डिंग के मुख्य द्वार को देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना।
और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ के रोड पर ही मतलब बनाई है, तो यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में रंगोली का ना बहुत प्रचलन है, बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाई जाती है। उसके बाद बस मैं फिर आई हूँ घर लौट करके, और घर ऊपर आते आते ना 3 बज गए थे और ये मुझे नीचे ही मिल गए, मतलब ये भी ड्यूटी से आ गए 3 बजे। तो बस मैंने फिर छोले जो है गर्म करने के लिए चढ़ा दिए और भटूरे की गैस जला दी, तब तक मैंने घर की रंगोली भी बना ली और फिर इनको दे दिया था खाना। तो ये अपना क्या है, खाना वाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। तब तक मैं ये कर ले रही हूँ जल्दी से, क्योंकि 5 के करीब हो रहा है और 7 बजे से मुहूर्त था, तो जो है थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ रही थी। तो देखिए मेरा मुख्य द्वार किस तरह से सज गया है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये स्वास्तिक ना बहुत अच्छे नहीं बन पाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद हो जाता है टाइम पूजा का, तो सब रेडी हो चुके हैं। और रेडी होने के बाद मैंने इनको बैठा दिया, देखिए कितनी अच्छी जगह पे, जो काम इनका करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अभी बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ करने लगे हैं। तो देखिए ये कर रहे हैं और मेरे को चिल्ला रहे थे जल्दी करो, लेट हो रही, मुहूर्त निकल जाएगा पूजा का। तो बस फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और आप सबको कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो ना मैंने हम मान के चलिए कम से कम 10 साल बाद लहंगा पहना है, क्योंकि थोड़ा वेट मेरा ज़्यादा है ना, तो मेरे को लहंगा वहंगा पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या है, मेरे कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे कि आप लहंगा ही पहनो, आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने पहन लिया आप सबके कहने से। तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ना, प्लीज़ मैं आपसे ही तो पूछ सकती हूँ और किससे पूछूँगी। तो फाइनली मैं तैयार हो गई। वैसे ना ऐसा होता है हमारे और आपके सभी के साथ होता है कि किसी किसी कपड़े में आप पतले लगोगे कभी कभी, किसी किसी कपड़े में लगोगे मोटे, तो बस ये हो जाता है। तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा प्लीज़ हैं, और अच्छी लगूँ तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी मिठाइयाँ जो है आ चुकी हैं, और 1 2 3 4 गणपति की जय जय का। हाँ रखो जल्दी रखो, सब लगा दो, सबको दिया हम दिया जला दो, कोई दिक्कत नहीं। इदम गायत्री इदम नमः स्वाहा। जगे बलिहारी कामना को पूरा। तो आप लोगों ने देखा शिवाय की अपनी अलग आरती चल रही थी, शिवाय की अपनी अलग जय चल रही थी, और कह रहा था पापा आप मुझे रसगुल्ले खिलाओ, मम्मी आप वीडियो बनाओ, तो बड़ा इसको अच्छा लग रहा था। तो मेरा बेटा ना कुछ ज़्यादा ही समझदार हो चुका है, हद से ज़्यादा नज़र नहीं लग जाए मेरे बेटे को, तो कह रहा था आप मम्मी मैं आपको खिलाऊंगा आप वीडियो बनाओ, बड़ा शौर आ गया है मेरे बेटे के अंदर। तो देखिए यहाँ पर पूजा वूजा जो है समाप्त हो चुकी है, सबका टीका लग चुका है, सबका कर दिया गया रोचना। तो फाइनली देखिए ये है मेरा लुक, थोड़ा पास से देख लीजिए, पता नहीं कैसा लग रहा होगा मुझे खुद नहीं मालूम है, मैं खुद थोड़ा सा सस्पेंस में थी। तो चलिए फिर सब जगह पे हमने लगा दिए थे दिए, और सब जगह अंदर तो हमारे यहाँ ना घी के और कुछ तेल के दिए लगाए जाते हैं, तो तुलसी जी में भगवान में सब जगह जो है घी के दिए लगाए जाते हैं। फिर बालकनी वगैरह में हमने कैंडल, तो आ जाइए आप भी स्नैक्स ले लीजिए। और पता है मेरे से गड़बड़ कितनी हो गई, मैं मिठाई रखना भूल ही गई आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, मैं भुलक्कड़ भी हूँ। तो मिठाई तो मैंने टेबल पर रखी नहीं आप लोगों के लिए कि आप खा सकें। सारी शुभकामनाएँ आप सभी को, मम्मा ब्लॉग से आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है इसलिए मेरी आवाज आप तक जाएगी नहीं, तो प्लीज आप सब भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाए, खूब एंजॉय करें। देखिए मेरा नन्ना मुन्ना आ चुका है, हीरो बन चुका है आपको, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाय, हैप्पी दिवाली निका, हैप्पी दिवाली, आ तुम सबको आवाज है हैप्पी दिवाली। गणपति पप्पा, गणपति पप्पा, तो
अभी आप ये वीडियो एंजॉय करिए, और जो हमारा दिवाली का ब्लॉग और है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा लग रहा है, खा लो। इतना बड़ा खा लोगे तुम? ये जूठा कर करके नहीं रखते, गंदी बात होती है ना। क्या खा रहे रूरी? पालक। चकली खा जा रही, दबा रही तब से, और पता नहीं है उसका नाम। आ तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। काव्या काम करने में लगी है, जिम्मेदारी है ना काव्या पे बड़ी है इसलिए। और ये आराम से खा पी के मस्त है। सिवाय कह रहे हैं मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। आगे आ रहे हैं कैमरे के समय, बाल लपक लपक आ रहा है। भैया मेरे सबसे सुंदर लग रहा है, हीरो लग रहा है, हैंडसम लग रहा है ना? है तो लगेगा। और ये देखिए इनकी, इतनी दूर से ये आई है ना, ट्रेन से चल के आगरा से आई है सोहन पापड़ी। आपको पता है बड़ी मशक्कत, सोहन पापड़ी है ना, बड़ी मशक्कत से आई है ट्रेन से, और किसी और से मंगाई गई है आगरा से। तो इसका इसकी भी एक कहानी है। ये देखिए मेरे बाल गोपाल बैठे हैं, इनको सोहन पापड़ी खिलाओ जल्दी से, इनको थोड़ा मोटा होना है घी की चीजें खा के। खाएंगे ना मेरे लड्डू गोपाल? हाँ खिलाओ जल्दी से। ये देखिए लड्डू गोपाल खा रहे हैं। और इनको सब लोग ना हैप्पी दिवाली बोल दीजिएगा फटाफट से।